ऑफिशियली तुम्हारी यार। कांग्रेस तो पर ट्विस्ट ये है कि मैं मेरा पूरा दम लगाकर इसे बर्बाद करने की कोशिश करूंगा, और ये तुम पर है कि तुम इसे हमलों से कैसे बचाते हो, जैसे कि 100 टैलन बॉल्स, बड़े बड़े एक्सप्लोजर्स और भी बहुत कुछ से। तुम मजाक कर रहे हो ना? अब से तुम्हारे पास इस यॉट का डिफेंस बनाने के लिए पूरे 24 घंटे हैं। वक्त शुरू हो गया है। गुड लक। तो ठीक है जिम, देखते हैं ये यॉट डूबती है या नहीं। शॉन ने मेरा क्रेडिट कार्ड यूज करके तुरंत ही बहुत सारा सामान खरीद लिया और फेज 1 के लिए अपना डिफेंस बनाना शुरू कर दिया, जो है 100 कैनन शॉट्स। अपने प्लान के बारे में बताओ। मैं बनाने वाला हूँ एक विशाल सी दीवार जो उम्मीद है उन कैनन बॉल्स को रोक पाएगी। और पूरी रात काम करने के बाद सुबह हो चुकी थी, और फिर 24 घंटे पूरे होने के बाद शॉन पर पहला हमला होने वाला था। वक्त पूरा हो गया है, चलो शूट करें कुछ कैनन। क्या इसका डिफेंस इन 100 कैनन बॉल से उसकी यॉट को बचा पाएगा, या हमें एक नए खिलाड़ी के साथ वीडियो को फिर से शुरू करना होगा? 4 में से पहला फेज शुरू होता है। मैं नर्वस हूँ। ठीक है शॉन, अब हम तुम्हारी नई यॉट पर कैनन को शूट करने वाले हैं। डर लग रहा है। निशाना साधो। फायर! ओ, वो तो आर पार जा रहे हैं। डोंट वो स्टोरेज कंटेनर्स की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कैनन जैसे आर पार हो रहे हैं जैसे वो बटर हो। मैं तो गया दूर। ऐसा लग रहा है जैसे खुद के टुकड़े हो रहे हैं। तुम्हारी यॉट के तो जरूर हो रहे हैं। वो कैनन अभी से शॉन की यॉट को तोड़ रहे थे, और ये तो बस शुरुआत ही थी। वो कैनन उसे बर्बाद कर रहे हैं, वो नहीं बचेगी, वो उसे छलनी छलनी कर देंगे। हमने एक के बाद एक कैनन शूट करके शॉन के डिफेंस की धज्जियां उड़ा दी। ये कैनन मेरी सोच से ज्यादा पावरफुल निकले। और 3 घंटों के दर्दनाक हमले के बाद किसी तरह से गॉश उम्मीद है मेरी यॉट ठीक होगी। शॉन की यॉट एक्चुअली बच गई। वहाँ है एक छोटा सा होल और एक टूटी हुई रेल। डूड ब्रो, एक कैनन बॉल ठीक यहाँ आके लगा, पर वो सिर्फ वही इकलौता डैमेज नहीं था। नहीं, शॉन की यॉट का बाथरूम पूरी तरह बर्बाद हो गया था। आप इस आईने को देख रहे हैं। तुम्हारी यॉट को 3 कैनन बॉल्स लगी, और तुम फेज 1 में बाल बाल बचे हो। मैं मानता हूँ 100 में से सिर्फ 3 बुरा नहीं है। नहीं, मैं चाहता हूँ तुम फेज 2 को और सीरियसली लो। ठीक है, और अगर तुम्हें लगता है कि मैं सीरियस नहीं हूँ तो तुम्हें दिखाता हूँ। उन बॉल्स को यहाँ लाओ। अगले 24 घंटों में वो 15 सी बॉम्ब्स तुम्हारी यॉट के इर्द गिर्द फटेंगे। ओ नहीं। और तुम्हें बता दूं, हमने इन्हें वीडियो के पहले टेस्ट किया है, और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। पूरे 15 बड़े बॉम्ब्स उसके इर्द गिर्द लगे हुए होंगे। आखिर उसे कैसे बचाऊंगा? मैं अभी यॉट में जाकर एक झपकी लेता हूँ जो बॉम्ब से घिरी हुई है, और कुछ घंटों में वापस आऊंगा। अगली सुबह होते ही शॉन तुरंत काम पर लग गया, लेकिन भारी तूफान आने की वजह से वो क्रेन का इस्तेमाल नहीं कर पाया। ये सही नहीं है, आज सारा काम हाथों से करना होगा। तुम इस यॉट की पैडिंग कैसे करोगे? मैट्रेसेस। सही सुना, शॉन का बड़ा प्लान है मैट्रेसेस, और उसके वर्कर्स शहर की सभी मैट्रेसेस ले भी आए। वो सभी मैट्रेसेस उन्हें नाव से आगे और पीछे ले जाओ। ठीक वैसे ही उसे घुमा कर लाओ, एक इंच भी मत छोड़ना। लग भी नहीं रहा है कि एक यॉट है, ये बस कुछ मैट्रेसेस के जैसे ही लग रही है। 2 घंटों में हम बॉम्ब्स को फोड़ देंगे, और जितना सोचा था उसने उतना भी काम नहीं किया। ये बहुत भारी है। अगर क्रेन होती तो ये करना कितना आसान होता। ये अगर पानी में नहीं होती तो ये कितना आसान होता। हाँ, वक्त खत्म हो रहा है, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि उसकी वो यॉट बच पाई। 3, 2, 1, वक्त खत्म। मैं बस इतना ही कर पाया। तो इसने बस कुछ मैट्रेसेस और वाटर जग्स लगाए। बाद में इसकी कांटों को भी। शायद मैंने इतनी बेकार चीज आज तक नहीं देखी। शायद तुम्हें लग रहा है कि ये काम नहीं करने वाला। हाँ। देखते हैं यॉट डूबती है या नहीं। कोई आखिरी शब्द? ये टोपी मिल सकती है। अगर ये यॉट बचती है तो मैं तुम्हें टोपी दूंगा। ठीक है। 3, 2, 1, उड़ा दो। ठीक लग रही है। ये अभी बची हुई है। कर दिया।
उन्होंने बस मैट्रेसेस को जला दिया। सही कहा, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ। किसी तरह ये मैट्रेसेस उन सभी माइंस के सामने एक बढ़िया डिफेंस साबित हो गई। हमारे सामने है फेज 3। इस हमले में 3 अलग अलग लेवल्स हैं। हम 1,000,000 फायरवर्क्स को सीधे तुम्हारी यॉट की तरफ फायर करेंगे और उसके बाद थोड़ी ऊपर से जलते हुए एरोस को फायर करेंगे और आखिर में कैटापल्ट की मदद से जलते हुए डेथ बॉल्स को फायर करेंगे। और अब तक शॉन की बिल्डिंग स्ट्रेटेजी अच्छी साबित हुई। उसने अपने क्रू को ऑर्डर दिए, हाँ चलो उन कंटेनर्स को फेज 3 के लिए उनकी सही जगह पर लाते हैं। और जब वो काम कर रहे थे तब वो आराम करने चला गया। और अब सब उन फायरवर्क्स और जलते हुए एरोस पर है। तुम्हारा प्लान क्या है? बेसिकली मेरा प्लान है कि मैं कंटेनर्स को यहाँ लाकर एक विशाल सी दीवार बनाऊंगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो दीवार इतनी ऊंची होगी कि उन जलते हुए एरोस को रोककर उन गोलों के मलबे से मेरी यॉट को बचा ले। बढ़िया लग रहा है, सच में प्लान बहुत बढ़िया लग रहा है। आज का दिन मेरा है, महसूस हो रहा है, देख लेना मैं भी बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। ओके, उस फेज 2 के मुकाबले ये सच में कमाल है, तुमने बहुत काम किया है। सही कहा, एक बेकार डिफेंस से जिससे कई कैननबॉल्स आर पार हो गए थे, तुम यहाँ तक आए। जो मुझे लग रहा है कि काम करेगा वो इस झील का पानी लेकर स्प्रिंकलर से उन मैट्रेसेस पर डाल रहा है ताकि वो गीली हो जाए। हम जाकर उसका डिफेंस चेक करने वाले हैं। क्या अभी बताना सही होगा कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है? ये है एक 40 फुट ऊंची सॉलिड बॉल। जब हम गोलों को चलाएंगे तब वो अभी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से उड़कर आएंगे और उम्मीद है यॉट पर गिरेंगे, है ना? ना, तुम मिस कर दो। हे चैंडलर, सोचो कि तुम एक कैटापुल्ट हो जो बड़े आग के गोले फेंकता है। हाँ समझ गया। रेडी एम फायर। ये लो डायरेक्ट हिट। तुम्हारी बोट डूबने वाली है। वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो तुम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हो? अब भी तुम्हारे पास पूरे 30 सेकंड बचे हैं और तुम कुछ नहीं कर रहे। हम तैयार हैं, वो ढकी हुई है, हमने दीवार बनाई, डिफेंस पूरी तरह से तैयार है। तो 20 सेकंड इंतजार करने की जरूरत नहीं है। नहीं, तुम शुरू करो। चलो करते हैं। टाइम अप। फेज 3 अब आ चुका है। कैटापल्ट्स, फ्लेमिंग एरोस और पूरे 1,000,000 फायरवर्क्स। देखते हैं यॉट में आग लगती है या नहीं। फायरवर्क्स को तैयार करो। कोई आखिरी शब्द? गुड लक। फायरवर्क्स को फायर करो। ओह माय गॉड, ये सपने जैसा लग रहा है ब्रो। ये तो कमाल है। ओह माय गॉड, समझ में नहीं आ रहा आखिर ये हो कैसे रहा है। ये सुंदर फायरवर्क्स खत्म होने तक मैं आपको बताता हूँ ब्लूम्स टावर डिफेंस 6 के बारे में। ब्लूम्स टावर डिफेंस एक गेम है जिसे मैं मेरे बचपन से खेलता आ रहा हूँ। शानदार है। मैं इसे इंग्लिश क्लास के दौरान खेला करता था जब मैं 15 का था। उसकी और से धुआं निकल रहा है और वो गेम की 6th इंस्टॉलमेंट के साथ वापस आ गए हैं। ब्लूम्स टावर डिफेंस 6। ओह माय गॉड, वो कैसे रहा है? अगर आपने कभी ब्लूम्स टावर डिफेंस नहीं खेला तो बेसिकली हमें ब्लूम्स से बचने के लिए मंकी टावर्स लगाने पड़ते हैं और हीरोज का इस्तेमाल करना होता है। मैं भी कुछ सेलिब्रेट करना चाहता हूं। माय गॉड, वो उसकी यॉट को हिट कर रहा है। टॉप पर हिट कर रहा है। उस बार उसने यॉट को हिट किया। नजर उसको छोड़ो। वक्त है पूरे 1,000 जलते हुए एरोस का। ओह माय गॉड, एरोस सीधे उस दीवार के ऊपर से जा रहे हैं। की वजह से अब हम फेंकने वाले हैं बलून्स, जलते बलून्स। ये तैयार है। बेसिकली जलते हुए बोलिंग बॉल। फायर कर रहा हूँ। ये वो गया, सीधे यॉट की ओर जा रहा है। उन्होंने यॉट की बगल वाले शिपिंग कंटेनर को हिट किया। लेट्स गो बेबी। अगर आप गेम में कुछ खरीदते हैं तो यूज करें मिस्टर बीस सपोर्ट क्रिएटर कोड। अगर आप मुझे ऐसी वीडियोस बनाने में सपोर्ट करना चाहते हो, ब्लूम्स टावर डिफेंस 6 को डाउनलोड करें और अगर आप अभी करते हैं तो आपको मिल सकता है मिस्टर बीस बैग फ्री में। मुझे अब भी यकीन है, मुझे पूरा यकीन है ये एक भारी बलून है। ये बलून तो हरगिज नहीं लग रहा है। तुम भी एक अच्छे बलून नहीं लग रहे हो। तुम्हारे डिफेंसेस गिर रहे हैं। उसे चीर दो। अगर इनमें से एक भी कैटापल्ट शॉट शॉन की यॉट पर गिरता है तो ये वीडियो यही खत्म करना होगा। मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा। आखिरी कैटापल्ट फायर करो। ओ, ये तो डायरेक्ट हिट है। ओ, पानी में। आज मेरी आंखों के अलावा कुछ नहीं जला है। ठीक है, तुम्हें पता है शॉन, भले ही तुम अभी हंस रहे हो पर तुम उस फाइनल फेज के लिए तैयार नहीं हो। अब से ठीक 24 घंटे बाद हम तुम्हारी यॉट पर हमला करेंगे ढेर सारी मशीन गन्स के साथ। फेज 4 के लिए कोई सवाल?
हम लाने वाले हैं अब तक इस वीडियो में आए चारों के चारों फेजेस को एक साथ, वो फायरबॉल, वो कैटापुल्ट्स, वो एरोस, वो 100 कैनन्स। तुम्हारे पास और 100 कैनन बॉल्स हैं? और छोटे छोटे बॉल्स की जगह हम लाए हैं ये विशाल मॉन्स्टर बॉर्डरलाइन न्यूक्लियर मिसाइल, शायद ये लीगल भी है, एक आइलैंड फ्लैटनिंग सी माइन। और इन सब के बाद वो मशीन गन्स भी। आज इस चैलेंज का फेज 4 है। मिराज का प्लान है बहुत सी चीजों को मेरी यॉट और उन आने वाले हमलों के बीच में रखना। हम बची हुई क्रेट से उन क्रैक्स को ढकेंगे जिनसे वो बुलेट्स पार हो सकती है। वो कंटेनर परफेक्टली उस बाहर वाले हमले से उसे बचाएगा। हम जितनी हो सके उतनी मिट्टी को वहाँ सामने डालेंगे ताकि हमारी वॉल को उन कैनन से बचा सके। और चूंकि वो विशाल सा बॉम्ब पीछे से आ सकता है, इसलिए मैं बचे हुए वक्त में पानी के बैरल से पीछे की साइड को ढकने की कोशिश करूंगा। ये चैलेंज मुश्किल है, मतलब कि मैं घर से दूर हूँ, फैमिली को मिस कर रहा हूँ और उस पानी की वजह से सब कुछ बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम बोट तक चल के जाकर वहाँ सामान नहीं रख पा रहे हैं, इसीलिए ये बहुत मुश्किल है। मैं उस बॉम्ब की वजह से नर्वस हूँ। उसने मशीन गन से बचने के लिए मेटल की कई लेयर्स लगाई हैं और एक रेत का पहाड़ और कई सारी चीजें जिनसे वो कैनन रुक सके। ऊपर के हमले से बचने के लिए अब भी उसके पास वो दीवार है और वो कीली मैट्रेसेस। 5, 4, 3, 2, 1, सब लोग रुक जाओ, वक्त खत्म हो चुका है। शायद ये सब एक बुरे सपने जैसा है। नहीं, ये सब असली है। भले ही तुम्हारी यॉट को बर्बाद करना मेरा काम है, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ये जीत जाओ। बचपन से ही मैं ऐसी एक बोट चाहता था। मैं बस इस फाइनल फेज को खत्म करके घर जाना चाहता। अगर तुम इस बारे में सोचो तो 100 घंटे पहले वहाँ बस एक बोट थी और अब वहाँ पर ये सब है। मुझे नहीं पता तुमने ये कैसे किया। तुम नर्वस हो? नहीं नहीं, इससे लिटरली कोई सेंस नहीं बन रहा। ये फाइनल फेज हो सकता है तुम्हारा सबसे बुरा सपना। हथियार तैयार करो। इन सभी मशीन गन्स के साथ वहाँ पर है पूरे 100 कैनन्स, एक विशाल सी माइन जो कि उन पहली वाली 15 माइन्स के बराबर है, और वो सभी फायरवर्क्स, एरोस और वो कैटापल्ट्स सभी के सभी एक साथ इस फाइनल फेज के लिए। फायर! वो बोट को लग गई। कहाँ? अभी देखा। रो वो क्रैक्स के बीच में से मार रहे हैं। अब तक सब ठीक से चल रहा था कि उनमें से एक शूटर ने गलती से फायरवर्क्स को शूट कर दिया और फिर ये हो गया। लगता है कि तू चल क्या रहा है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा शॉन, मुझे नहीं लगता तुम्हारी यॉट बचेगी और शायद अगली स्टेज का वक्त हो गया है। कैनन्स को तैयार करो। देखते हैं तुम पिछले वाले कैनन्स के हमले से कुछ सीखे हो या फिर नहीं। अंदर जाकर गिरा। जिस स्पीड से जा रहे हैं इसमें पूरी रात लग जाएगी। शायद हमें सब कुछ एक साथ फायर करना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम कैनन्स, फायरवर्क्स, एरोस, कैटापल्ट्स सब कुछ एक साथ फायर करो। 3, 2, 1, सब कुछ फायर करो। देखो वहां पर कितना धुआं है, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो। अभी और कितने हमले बाकी हैं जिमी? शॉट, मेरी जान निकल रही है। देख रहे हो ना, वहाँ इतना धुआं है कि कुछ नजर नहीं आ रहा। शॉट की ओर को बर्बाद होते देखते हुए हम थोड़े चॉकलेट्स का मजा लेंगे। कैनन्स को फायर करो। अब तक हमने लगभग हमारे सभी हमलों को तुम्हारी यॉट की ओर भेजा, पर उस हर एक YouTube वीडियो की तरह जो हमने आज तक बनाए हैं, हम सबसे बढ़िया हमला आखिर में करेंगे, पर तुम्हारी केस में सबसे बुरा हमला। थोड़ी देर पहले हमने जो 14 सी बॉम्ब देखे थे, हमने उन्हें एक साथ लाकर बनाया है एक मेगा सी बॉम्ब, जो की अभी एक RC बोट पर है और तुम्हारी यॉट को उड़ाने के लिए उसकी ओर जा रहा है। वो धमाका बहुत ही विशाल होगा। वो आ रहा है। वो तो कमाल था। चलो उसे देख कर
खराब है। चलो अब चेक करते हैं। चलो मेरी यॉट को देखते हैं। देखो उसकी यॉट ने किस किस का सामना किया। मैंने बहुत सी अजीब चीजें की हैं, पर ऐसा कुछ पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। तुमने बताया नहीं था कि ये सुंदर होना चाहिए। और उन सभी हमलों के बाद तुम्हारी यॉट अब भी तैर रही है, पर लगता है कुछ बुलेट्स और कुछ कैनन बॉल्स आर पार भी हुए हैं। हाँ। तो बॉयज वो ऊपर ले आओ। ये रहे $50,000 ताकि तुम इस यॉट को रिपेयर कर सको। और वीडियो खत्म करने से पहले वो सब जानना चाहेंगे कि तुम्हारी यॉट का तुमने नाम क्या रखा है। इसका नाम है अगर आप सोच रहे हैं तो हाँ, हमने इस वीडियो के बाद इस झील को पूरी तरह से साफ कर दिया था।